हेलो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, एक ऐसा स्टॉक है जिसने रिसेंटली अपने 2 दिन पहले क्वार्टर वन के नंबर्स डिक्लेयर किए, बेहतरीन नंबर्स आए हैं और स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने जो नंबर्स डिक्लेयर किए रिसेंट एनफ है, एज पर एक्सपेक्टेशन है, एज पर एस्टिमेट्स आए हैं। स्टॉक ने रिएक्शन भी आज थोड़ा बहुत अच्छा दिया है कह सकते हैं रिजल्ट के बाद। और पिछले 1 महीने का बॉटम देखिए तो 630 के आसपास इसका बॉटम था, वहां से ये स्टॉक फिर से एक बार 715 के लेवल्स पे आ चुका है आज के दिन पे, और अच्छा खासा लेवल्स है और अच्छे खासे रिजल्ट्स है। तो इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे भारतीय एयरटेल के रिजल्ट के बारे में, तो वीडियो को प्रॉपरली समझिएगा क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में एक बेहतरीन अगर स्टॉक है इस समय तो भारतीय एयरटेल ही है। तो किसी को अगर टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, भारतीय एयरटेल एक बेहतरीन पिक है। क्या टारगेट्स होंगे शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। आज हमने देखा मार्केट में कंसोलिडेशन फेज होते हुए साइडवेज मोमेंटम था, ओपनिंग हुई मार्केट की 17,500 के आसपास यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा एक टिप आया 17,450 का, फ्रेश बाइंग फिर से उस लेवल्स पे बनी क्योंकि वो सपोर्ट लेवल था, फिर से हमने 17,525 के लेवल्स को गेन किया करीबन विद इन 1 आवर। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसी लेवल्स पे हमने पूरे दिन कंसोलिडेट किया। 2:30 बजे कंसोलिडेशन फेज का एक ब्रेकआउट लेवल आया, शॉर्ट कवरिंग हुई करीबन, स्पेसिफिकली निफ्टी ने फिर से एक बार 17,545 के लेवल्स को टेस्ट किया। 3 बजे फिर से एक मोमेंटम आया, फिर से हमने 17,545 के लेवल्स को टेस्ट किया लेकिन क्लोजिंग हमें मिला 17,535 के आसपास। आज रात को यूएस के इन्फ्लेशन डेटा है जो पिछले जून कह सकते हैं पिछले मंथ से यानी जून मंथ से कम ही होंगे, तो लॉजिकल बात है कि जून मंथ से अगर इन्फ्लेशन डेटा हम कम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है इस समय वो कम ही आ रहा है, और उस वजह से यूएस में आज रात को थोड़ी बहुत रैली या फिर कहते हैं कि अच्छी रैली बन सकती है क्योंकि नैसडैक अच्छे लेवल्स पे आ चुका है और उस वजह से यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ एक अच्छी रैली फिर से आज चांसेस है रात को यूएस में बनेगी। और जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा आज के दिन पे आए थे, वीकली ऑप्शन डेटा के कल वीकली एक्सपायरी है, अच्छी खासी यहाँ पे कॉल पुट राइटिंग हुई है और स्पेसिफिकली मैं कहूंगा यहाँ पे 17,600 का जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल लेवल है, शायद कल ओपनिंग भी हमें अचीव होते हुए दिखेगा और उसके बाद हम 17,650 17,750 के लेवल्स को आराम से टेस्ट होते हुए दिखेंगे। लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि 17,600 का लेवल्स कल आराम से हमें देखने मिलेगा, क्लोजिंग मिले या ना मिले कह सकते हैं वो देखने की बात होगी लेकिन 17,600 17,650 के लेवल कल हमें आराम से देखने मिल जाएंगे। ओवरऑल सिनेरियो लॉन्ग ही है, बुलिश रहिए, शॉर्ट मत कीजिए। काफी सारे कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, हिंडाल्को के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए जिसकी वजह से आज हमने मेटल सेक्टर में करीबन 2 बजे के बाद अच्छा सा मोमेंटम देखा और अच्छे पॉजिटिव इंडिकेटर्स है काफी सारे स्टॉक्स में जिसके चलते आज हमने देखा एग्रोकेमिकल सेक्टर में भी अच्छा खासा मोमेंटम था। टाटा केमिकल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस टुडे, आज के दिन पे अगर हम देखें तो रिजल्ट्स मोर देन एस्टिमेट्स आए जिस वजह से 6% ये स्टॉक ऊपर की तरफ खुला और उसके बाद करीबन 13% की स्टॉक ने रैली की। तो टाटा केमिकल एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको वॉचलिस्ट में रखना चाहिए, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपनाइए क्योंकि ऑलरेडी काफी स्टॉक ये चल चुका है। टाटा मोटर्स चलने की तैयारी में आ चुका है, टाटा मोटर्स में आज 2 बजे के बाद हमने अच्छा मोमेंटम देखा। कैनरा बैंक बैंकिंग सेक्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक्स पे फोकस रखे, तो काफी सारे स्टॉक्स है जिसपे आप फोकस रख सकते हैं इस हफ्ते के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए। ओवरऑल सिनेरियो बुल्स के फेवर में ही है, बेयर्स के फेवर में नहीं है, तो लॉन्ग रहिए, शॉर्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, नेकेड शॉर्ट मत कीजिए। अगर आपको पुट लेके चलना है तो हेज करके चलिए लेकिन नेकेड शॉर्ट बिल्कुल भी मत कीजिए या फिर नेकेड पुट बिल्कुल भी खरीदे नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं कहूंगा मार्केट की शुरुआत या फिर वीडियो की शुरुआत करने से पहले 2 सर्विसेज का और भी देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव में जुड़ जाइए, दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में हम यूट्यूब लाइव कंडक्ट करते हैं, 45 मिनट्स का सेशन है। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप कीजिए, जितना हो सके सभी के आंसर उस लाइव सेशन पे कह सकते हैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। दूसरा तरीका है यहाँ पे एडवाइजरी प्रोडक्ट, 30 डेज 90 डेज 2 तरीके के पैकेजेस अवेलेबल है। दोनों पैकेजेस में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप डिलीवरी बेस, इंट्राडे बेस, एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शंस के कॉल प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट मिल जाएगा, मार्केट के रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, ऑप्शंस के लेवल्स मिलेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे और साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप कह सकते हैं मार्केट ट्रांसफर हमारे साथ फोन के थ्रू कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं जो किसी भी एडवाइजरी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी स्कीम में जुड़ जाइए, साथ ही में यूट्यूब लाइव में जुड़िए, डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बनाइए।
चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं डेटा, जानते हैं भारतीय टील का कैसे डेटा है उसको समझते हैं, और उसके बाद देखेंगे कैसे भारतीय टील का कैसे जो रिजल्ट्स आए वो आने वाले समय में क्या टारगेट्स होने चाहिए, तीनों तरीके के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और स्पेसिफिकली समझिएगा कि टेलीकॉम सेक्टर में अगर एक बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है इस समय जिसके फ्यूचर इंप्लीकेशन काफी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अदर टेलीकॉम स्टॉक्स, वो इस समय मुझे भारतीय एयरटेल लग रहा है। भारतीय एयरटेल का अगर हम देखें कंसोलिडेटेड जून सेल्स अगर हम देखें तो 32,804 करोड़ के आसपास आया, पिछले साल से 22% ज्यादा। तो ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स बढ़ा है 22% ज्यादा, जो है 32,804 करोड़ के आसपास। पिछले साल था 26,853 करोड़ नेट सेल्स, इस बार आया है 32,804 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट पिछले साल था करीबन 283 करोड़, इस बार है 1606 करोड़ के आसपास, पिछले साल से 466% ज्यादा। ईबीटा बात करें तो पिछले साल से 17% ज्यादा है, पिछले साल ईबीटा था 14,240 करोड़, इस बार आया है 16,721 करोड़ के आसपास। ईपीएस पिछले साल था सिर्फ 0.52, इस बार ईपीएस आया है 2.88 के आसपास। स्टैंडअलोन नंबर देखें तो पिछले साल से 26% ज्यादा है, रेवेन्यू आया है करीबन 20,180 करोड़ के आसपास, और अगर स्पेसिफिकली स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट देखें तो है 406 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल था 436 करोड़ का। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें ईबीटा तो पिछले साल था 8,850 करोड़, इस बार है 11,280 करोड़ का। भारतीय एयरटेल का ईपीएस देख के स्टैंड अलोन बेसिस पे तो था 0.79 पिछले बार, इस बार है 0.73 के आसपास। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 5 गुना बढ़ चुका है, पिछले साल अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली जो प्रॉफिट था उससे इस बार जो वैल्यूएशन आया है 1607 करोड़ का है। रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो 23% बढ़ा है पिछले साल से, तो रेवेन्यू भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ग्रो हुआ है। कस्टमर एडिशन अगर हम देखें तो 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है। होम बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर हैज नाउ कस्टमर बेस ऑफ 36.2 करोड़, करीबन 36 करोड़ के आसपास उनके कस्टमर बेस है। और इस बार अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो कस्टमर एक्विजिशन जिसे हम कहते हैं कस्टमर एडिशन, वो 41% ज्यादा है पिछले साल से। रेवेन्यू अफ्रीका की तरफ से बात करें तो वहाँ पे रेवेन्यू में 15% का ग्रोथ देखा गया है अफ्रीका में, और कह सकते हैं स्पेसिफिकली अफ्रीका में आप सब्सक्राइबर देखें तो करीबन 13 करोड़ यहाँ पे अफ्रीका में उनके सब्सक्राइबर्स है। ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात करें तो कंपनी ने करीबन कह सकते हैं 2 करोड़ 4G कस्टमर्स को ऐड किया है, और 45 लाख इसी बार इस जून क्वार्टर में ऐड हुआ था। तो ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ 4G कस्टमर्स ऐड हुए हैं, लेकिन जून क्वार्टर में अगर बात करें तो 45 लाख यहाँ पे 4G कस्टमर्स ऐड हुए हैं। ARPU की बात करें, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें तो वो आया है 183 के आसपास, जो पिछले साल था 146 के आसपास। तो ARPU भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ग्रो हुआ है, और इसी के चलते हम कह सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन पे हमने देखा। मोबाइल डेटा कंजम्पशन की बात करें तो पिछले साल से 16% ज्यादा है, और स्पेसिफिकली होम बिजनेस की बात करें यानी DTH बिजनेस की बात करें तो 14 लाख नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं इस क्वार्टर में। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बार जो है अब तक जो है डिजिटल टीवी में या फिर DTH सर्विसेज में एयरटेल के कस्टमर बेस है करीबन 1.74 करोड़ के आसपास। एयरटेल पेमेंट बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है 65% बढ़ा पिछले साल से, तो ये भी एक अच्छा रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू है एयरटेल के लिए। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन अगर हम देखें तो 26% बढ़े हैं पिछले साल से, तो मार्जिन भी अच्छे बढ़े हैं। और स्पेसिफिकली इंडियन बिजनेस की बात करें तो ईबीटा इंडियन बिजनेस में 24% बढ़ा है, और ये भी एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू भी बढ़ा है, ईबीटा भी बढ़ा है। केपेक्स की बात करें तो कंपनी ने अब तक अगर हम देखें तो 6,390 करोड़ के आसपास केपेक्स का इंक्लूजन किया है, जिसमें से 5,280 करोड़ इंडिया में है और 1,080 करोड़ के आसपास यहाँ पे अफ्रीका में है। पिछले 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखें तो बॉटम था स्पेसिफिकली 680 के आसपास का, हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ पे 715 का आज के दिन पे। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो बॉटम था 630 का, हाईएस्ट पॉइंट था 715 का। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखें तो 62 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, पूरे महीने में अगर हम देखें तो 73 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें से 42 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 55% है, FIS के पास 18%, DIS के पास 20%, पब्लिक होल्डिंग से करीबन 5% के आसपास। म्यूचुअल फंड डेटा देखें तो 12 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 6 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है जुलाई मंथ में, और अब तक अगर हम देखें तो क्वांटिटी जो बाई हुई है जुलाई मंथ में वो है 40,940 के आसपास क्वांटिटी। तो 40,940 क्वांटिटी बाई हुई है इन द मंथ ऑफ जुलाई बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी इन द भारतीय एयरटेल स्टॉक। और RSI इस समय देखें तो 61 है, MFI 60 है,
दोनों ही अप्रोप्रिएट लेवल्स पे, तो इस समय आप भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट रखिए 750 का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट आपका होना चाहिए 850 के आसपास। ओवरऑल सिनेरियो भारतीय एयरटेल का अच्छा है, काफी सारे रेटिंग एजेंसी ने इसको अपग्रेड रखा है, ओवरवेट की रेटिंग को कंटिन्यू रखा है और टारगेट्स भी मेंटेन किए हैं। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहा है, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। आपको अगर इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।